सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने तक यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। तो केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहले बार विजिट किए या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं केएलएम एपेक्स 120 एमजी टैबलेट जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 115 यानी कि 115 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टैबलेट को केएलएम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है, बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टैबलेट के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है फेक्सोफेनाडिन साइटोक्लोराइड 120 एमजी। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टैबलेट्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज एलर्जी के कारण नाक बहना, छींकना और एलर्जी की स्थिति में किया जाता है। ये उन लक्षणों से राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मौसमी एलर्जी वाले राइनाइटिस के साथ होते हैं, जैसे कि छींकना, खुजली, बहती या बंद नाक या खुजली या लाल और पानी से भरी आँखों, तो उन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरल भाषा में बताया तो केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल अगर आपके बॉडी की कोई भी पार्ट में आपको इशिंग्स हो रही है, खुजली हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट में आपको इशिंग्स हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो इसको यूज़ करने से आपको एलर्जी से आपको राहत मिल सकती है। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो उसको आप सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं और वो भी 5 दिन ले सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की देखरेख में। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल जिनकी एज 20 साल से ऊपर है वही टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये टेबलेट्स नहीं दी जाती है, बच्चों के लिए इसके लिए अलग से सिरप आता है तो वो दिया जाता है। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल अगर आप कंटिन्यू बेस पे कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से नहीं करें, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन करें तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको होगा, आपको मिसली आ सकती है, चक्कर आना हो सकता है, आपको सुस्ती हो सकती है या फिर आपका सिर दर्द वगैरह हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है? केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि फेक्सोफेनाडिन साइटोक्लोराइड, वो एक एंटी हिस्टामाइन्स नामक दवाई है। ये हिस्टामाइन नामक केमिकल के रिलीज को ब्लॉक करता है जो इन्फेक्शंस और इसके संबंधित लक्षणों जैसे खुजली, लालिमा, सूजन और जलने के लिए जिम्मेदार होता है। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये न मिले तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि मार्केट में आता है एलेग्रा 120 एमजी, इस्टाप्री 120 एमजी टेबलेट्स या फिर इसका मॉलिक्यूल रहता है फेक्सोफेनाडिन साइटोक्लोराइड 120 एमजी टेबलेट्स, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी में आपको आसानी से मिल जाएगा। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपना जनरल फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस ले, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें, अपने मन से इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में मेरा डीआई वहां पर बताइए। केएलएम एपेक्स 120 एमजी टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।